हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आपका हमारे इस चैनल पर और साउंडवे प्रोडक्शन पर आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम बात करने वाले हैं XPS 10 के समस्त फीचर्स के बारे में, जो भी मुझे आइडिया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके इस इधर पैनल से। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रांसपोज के लिए है। मैं स्टार्टिंग इसकी ट्रांसपोज बटन से आपको बता देता हूँ ट्रांसपेरेंस कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांसपोज का बटन है, इसको आपको दबाए रखना है और इसके बाद आपको ये डाउन बटन को दबाना है। जैसे आप डाउन बटन को दबाएंगे, ट्रांसपोज 1 2 3 ये नीचे जा रहा है GCF पे। तो ये अगर आपको ज़्यादा करना है तो इसको अप करेंगे, कम करना है तो इसको डाउन करेंगे, अप डाउन और डाउन जो भी आपको करना है, ठीक है। ये आपका इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर गा रहा हूँ और सॉरी मैं यहाँ से बजाता हूँ, तो मेरे गाने वाला यहाँ से गा रहा है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 बार इसको ट्रांसपोज नीचे कर दूँगा, तो ये यहाँ का जो की है वो यहाँ आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम XPS 10 की बहुत ही अच्छे फीचर्स के बारे में जान रहे हैं और अब चलते हैं इसके मेन्यू पर। अब मेन्यू में हम देखेंगे कि क्या क्या है। दोस्तों, इसमें मेन्यू में सिस्टम सेटिंग है, आप इसको एंटर करेंगे। ये जनरल LCD पैड है। LCD कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो ये ब्राइटनेस है, इसका जो ये जो काला काला निशान आ रहा है, ये आपको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें आप प्लस माइनस करेंगे, जैसे कि ये देखो ये कम ज़्यादा हो रहा है। मैं अपने मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ, ये आपको 5 से 6 के बीच में सेफ रेंज है, इसको यहाँ रख सकते हैं अपन। सिस्टम सेटिंग के बाद अपन एंटर करेंगे आगे की तरफ, तो कल्चर से आगे जाएंगे ऑटो ऑफ, तो ये 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा आपका कीबोर्ड। जनरल ORD ये इंडिया रहना चाहिए, ये बेकार है, अपने कुछ काम करनी। ये वेलोसिटी कर्वे दोस्तों, ये लाइट रखा हुआ है मैंने। टच वेलोसिटी मतलब आप जब अगर वेलोसिटी के साथ बजाते हैं, जैसे कि आपने टच रिस्पॉन्स ऑन किया हुआ है, तो जैसे ये अभी तो मैंने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन जब इसको धीरे दबाएंगे तो आवाज़ धीरे आएगी और इसको तेज दबाएंगे तो आवाज़ तेज आएगी। तो ये मैंने लाइट किया हुआ है। लाइट करने से क्या होता है दोस्तों, एक नॉर्मल रेंज में आपको आवाज़ मिलेगी, ठीक है। मीडियम कर देंगे तो थोड़ी सी फास्ट आवाज़ आपको मिलेगी, और हाई कर देंगे तो वो एकदम से टिप बहुत ही हार्ड हो जाएगी वो आवाज़, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, की ऑफ सेट है, ये कर्वो, ये भी इसी के लिए है। ये वेलोसिटी आप इसको रियल कर देंगे 127, तो ये पूरी आवाज़ फिक्स रहेगी आपकी, यानी कि यहाँ पर वो टच रिस्पॉन्स काम नहीं करेगा। और इसको 127 को आप कम कर देंगे, 0 कर देंगे, तो आपका टच रिस्पॉन्स काम करने लग जाएगा। मतलब आप जितने प्रेशर से इसको बटन को दबाएंगे, उस हिसाब से आपके ये की काम करेगी, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है दोस्तों हमारे पास, साउंड मास्टरिंग ट्यून, ये तो ऑटोमेटिक सेट है 444 हर्ट्ज़ पे, तो इसका हमें कुछ करना नहीं है। आउटपुट गेन दोस्तों, ये आउटपुट गेन क्या होती है, आउटपुट गेन क्या है, एक तो ये गेन हमने वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा रखा है, इस वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए जो ये गेन करती है, इस गेन को आप 5 dB तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आवाज़ करेंगे तो आपकी आवाज़ फटने लग जाएगी, लेकिन बहुत सी बार हम हो जाता है कि जैसे साउंड वाले के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है और साला वहाँ से उसको बंद करके रखता है, कम आवाज़ को कम करके रखता है, तो हमारे पास हिडन आवाज़ भी है जो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर ये 5 dB से 12 dB तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हैं। और चलते हैं साउंड सिस्टम टेम्पो, ये टेम्पो हमारे कभी काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी इसका साउंड का जो रिदम है उसको काम में यूज़ में नहीं लेंगे, जिसके साथ ये वाली रिदम आती ना, ये इसके लिए टेम्पो है वाला, कि इसका कभी काम हमारे ज़िंदगी में नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं ऑडियो लेवल, ये ऑडियो लेवल्स यहाँ पे भी सेट हो सकता है दोस्तों आपका, ये ऑडियो लेवल, ये रिदम का जो लेवल है यहाँ से सेट हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं आप होल्ड, अगर आप RPG ऑन करते हैं तो उसकी सेटिंग है दोस्तों, पेडल की सेटिंग, सॉरी RPG की नहीं है, पेडल जो आप पेडल लगाते हैं इसमें उसकी सेटिंग है। होल्ड पे रखोगे तो जो भी की आपने दबाई है होल्ड रह जाएगी, उसके ऊपर है ये पेडल ऑन होल्ड, ये भी पेडल के लिए दोस्तों, पेडल के लिए। ये भी मिडी लूप सिलेक्शन, मिडी के लिए मिडी स्विच ऑन करना है कि नहीं है। और ये पैच सिलेक्शन RTX TX मिडी, ये मिडी के पैच है सर, सभी के सभी जो मिडी में काम आएंगे आप। और USB ड्राइव जेनरिक, ये आप जब जेनरिक रखेंगे तब आपके कंप्यूटर में ये ऐड हो जाएगा, और अन्यथा ये बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत देता है। एक और इसका वर्जन होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर मैं इसको करता हूँ जेनरिक से वेंडर, ठीक है ना, वेंडर होता है, तो ये इसमें आपके काम नहीं करेगा बहुत सारी जगह। तो ये हो गए हमारे मेन्यू के, सिस्टम मेन्यू के फंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं आगे पेज एडिट में दोस्तों, पेज एडिट करेंगे,
पेज एडिट करेंगे तो पेज एडिट में जाएंगे, पेज एडिट के बाद उसमें पेज एडिट के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि हम करते ही हैं। परफॉर्मेंस मोड में एडिट है, ये परफॉर्मेंस एडिट है, इफेक्ट एडिट, ये भी इफेक्ट एडिट है, ये सर टोन एडिट से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं। इनको हम जब टोन बनाएंगे जब आराम से देखेंगे इसको, हालांकि मैं टोन इससे बनाता ही नहीं, मैं तो अपने पीसी से टोन बनाता हूँ सारी सारी, है ना। उसके बाद चलेंगे हम सैंपल एडिट। सैंपल एडिट में देखो दोस्तों, सैंपल अभी है नहीं इसमें, और सैंपल एडिट में आप जब सैंपल इसके पेन ड्राइव में सैंपल लेके जाएंगे तो वो सैंपल इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस भी आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको थोड़े एक दो दिन वीडियो में बता के बताऊंगा सैंपल सेव कैसे एडिट करेंगे हम इसको। आगे चलते हैं सैंपल एडिट के बाद फेवरेट यूनिट, वो हम यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा किस तरह से सेव होगा। बाकी मेन्यू यूटिलिटी, मेन्यू यूटिलिटी में ये आप मैंने यूटिलिटी में जाएंगे आप बैकअप, बैकअप यानी कि आप जब भी इस कीबोर्ड में कुछ भी आपने डाला हुआ है बनाया हुआ है बैकअप, उस बैकअप को यहाँ से आप इसको अपने कार्ड में या मेमोरी कार्ड में या यूएसबी में सेव कर सकते हैं इसके थ्रू। आप इस पर जाएंगे एसबीडी फाइल करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, ये बैकअप को सेव कर देंगे। यूएसबी कार्ड नॉट रेडी, क्योंकि मेरे पास रेडी यूएसबी नहीं है तो अब इसमें आएगा नहीं। अगर आपके इसमें यूएसबी कार्ड लगा होगा तो आप इसमें ये सेव कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बैकअप लेने का। और दोस्तों बैकअप के बाद हम चलेंगे रिस्टोर। रिस्टोर मतलब हमारे कार्ड में अगर कोई बैकअप है उसको हमें रीड करके इसमें लोड करना है तो हम यहाँ से इसको रिस्टोर करवा देंगे। यहाँ पर रिस्टोर करने के बाद उसका नाम आ जाएगा, नाम के बाद आप इसको लोड कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो कंपनी से ब्रांड जो आती है, जो इसमें टोन वगैरह आती है, वो आपका पूरा ओल्ड एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा फैक्ट्री रीसेट हो जाए जैसे मोबाइल में होता है। यूएसबी फॉर्मेट करना है, जैसे कि कार्ड को फॉर्मेट करना है, हालांकि ये ऑप्शन इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यूएसबी फॉर्मेट गलती से कोई दूसरा कर देता है तो हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो जाती है, मेरे साथ हो चुकी है सर। आगे चलते हैं, यह यूटिलिटी फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं, चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों ये था, और इसके बाद आपके ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये बैंक दिए हुए हैं, ये पैड आपके ऑडियो पैड हैं, और ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है। आप जब जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई भी टोन को फेवरेट में भी सेव करना है तो ये जो फेवरेट का बटन दिया हुआ है यहाँ से आप इसको दबाएंगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ परफॉर्मेंस में, ये परफॉर्मेंस में ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मेंस में जाएंगे और इसको प्लस माइनस कर देंगे। परफॉर्मेंस में जो हमारी पेज परफॉर्मेंस बनी हुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये टोन हमारे बैंक 5 पे दूसरे नंबर की टोन पे सेव करनी, तो मैं इसको एक बार ऑन कर दूंगा फेवरेट को, और बैंक को सिलेक्ट करते हुए 5 नंबर पे जाऊंगा, चलो 6 नंबर पे ले लेते, हो सकता है मेरे बैंक में और जगह कोई ना कोई टोन 6 हो, 6 बैंक पे आ गया हूँ मैं। अब मुझे मान लीजिए इस 6 नंबर के बैंक में मुझे कहीं से भी 0 से लेकर 9 तक कोई सी में भी वो टोन डालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसको दबाऊँगा, दबा के रखूँगा, और जैसे कि मालूम मुझे 2 पे जानी है तो देखना उस डिस्प्ले पर भी देखना, मैंने जैसे दबाया वो आपकी रजिस्टर होगी 6-2 पर, मतलब 6 नंबर के बैंक में दूसरे नंबर की टोन आपकी है बैंजो सेट हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सारी टोन्स को सेव कर सकते हैं। और पहली बार मुझे भी इसमें दिक्कत ये हुई थी कि मैं इसको दबाता रहता था, कुछ आता नहीं था, पर आपको सिंगल बार दबाना है, ये टोन यहाँ सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी टोन जो आपको चाहिए, उसके बाद बैंक दबाएंगे, और ये तो आपके एक सिंगल हो ही गया। इसके बाद आप बैंक दबाएंगे, बैंक दबाने के बाद आप इसमें जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं 3 नंबर का बैंक है उसमें मेरे को सेव करनी, तो इसको सॉरी 3 नंबर के बैंक में नहीं जाऊँ, मैं जाता हूँ 8 नंबर के बैंक में, और मैंने इसको कर दिया दबा के, और जो आपको जिसमें डालना है, जैसे मेरे को इसको दबा के ये मैंने दबा रखा फेवरेट, और इसको दबा के इसको सेव कर देते, ये आपके सेव हो जाएगी। इस तरह से आप ये सारी बैंक आप अपने अपनी पसंदीदा टोन को आप इन पैटर्न पर सेव कर सकते हैं। आपके पास बैंक 0 से लेकर 9 तक बैंक है, और उस हर बैंक में आपको 0 से लेकर 9 यानी कि 10-10 बैकअप, यानी कि 10 टोन का आपको बैकअप मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारी है, मैं आपको इस एक्सप्रेस 10 के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अभी नया खरीदा हुआ है मैंने, ये लाइव प्रोग्राम आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ तो सुंदरकांड वगैरह चलते रहते हैं। तो ये है दोस्तों उसका पैटर्न, और ये पैडल वगैरह भी मैं समझाऊंगा आपको कि क्या है ये। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आपको कुछ भी जानकारी और एक्स्ट्रा चाहिए हो और सिंपल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट करें
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।